सनातन माने पुराना, सनातन धर्म माने पुराना धर्म। वो पुराना धर्म जो मनुष्यों ने स्थापन नहीं किया, मनुष्यों को भगवान बनाने वाला, भगवान भगवती के पद को दिलाने वाला, राजा रानी महाराजा महारानी बनाने वाला, देवी देवता बनाने वाला, स्थापन करता है। भगवान वो करता है जो दुनिया में कोई मनुष्य नहीं करता। कोई बड़े से बड़ा महान धर्म पिता, ग्रेट फादर्स जो कहे जाते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि, कोई नहीं करते। कौन सा काम करता है? नरक को स्वर्ग बनाने का काम करता है, नरक को नारायण बनाने का काम करता है। कब करता है? एकदम नई सृष्टि के आदि में करता है, पुरानी सृष्टि के अंत में करता है, नई सृष्टि के आदि करने के कारण उस नई सृष्टि के आदि को कहते हैं सनातन। सनातन माने पुराना। बाबा जय जी का इतिहास में कुछ क्यों क्या कह रहे, किसकी प्रवेशता कब कब हुई? जैसे शिव जो है 36-37 में जब आते हैं तो सबसे पहले गीता माता में प्रवेश करते हैं, या जब शिव की वाणी 42 तक चली, 42 से 47 की वाणी को क्या कहेंगे? शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर के वापस चला जाता है क्या? जाता है? नहीं जाता है। आता है तो जिसमें आता है उसका नाम देता है ब्रह्मा, और ब्रह्मा एक का नाम है या अनेकों का नाम है? ब्रह्मा पंचमुखी चतुर्मुखी ब्रह्मा भी गाया हुआ है। इससे साबित होता है कि जो शास्त्रों में गाया हुआ है, गुरुरु ब्रह्मा, गुरुरु विष्णु, गुरुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो ब्रह्म या ब्रह्मा कहे जाने वालों में परम ब्रह्म है, उसमें पहले पहले आता है, वो महत ब्रह्म है जिसमें आकर भगवान निवास करता है परमानेंटली, मुकर्रर रथ के रूप में। और जब वो शरीर छोड़ देता है तो और जो ब्रह्मा नंबरवार गाए हुए हैं उनके द्वारा कार्य करेगा या नहीं करेगा? तो करता है। जब पूछता है तो बताना पड़ता है ना बाबा जी, कब गीता माता में प्रवेशता कब नहीं, तो बताना पड़ता है ना पूछने पर। तो अरे भगवान आता है
तो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता है या निवृत्ति मार्ग की स्थापना करता है? एक में आएगा या दो में आएगा? तो एक है जगदम्बा और एक है जगत पिता, दोनों के द्वारा ज्ञान का बीज आरोपण करता है। और जगदम्बा की भी तो कोई अम्बा होगी, जगत कब कहा जाता है? कब कहा जाता है जगत? जगत तब कहा जाता है जब सभी धर्मों की आत्माएं इस सृष्टि पर आ जाती हैं। जगत में कितनी मनुष्य आत्माएं हैं? 500-700 करोड़। सबकी अम्बा है वो जगदम्बा, तब प्रत्यक्ष होती है जब देवता धर्म के अलावा और धर्मों का इनकार्नेशन शुरू होता है। कब से शुरू होता है? द्वापर युग से। द्वापर युग से पहले जगत कहें या कुछ और कहें? नहीं, शास्त्रों में जो बैकुंठ नाम आया है, क्रिश्चियंस के शास्त्रों में पैराडाइज नाम आया है, मुसलमानों के शास्त्रों में जन्नत नाम आया है, वो नाम सतयुग त्रेता के नाम नहीं है। कहाँ की यादगार है? स्वर्णिम संगम युग की यादगार है। सतयुग त्रेता भारत कहा जाता था, जगत नहीं कह सकते उसे। तो जगदम्बा पहले है या भारत माता पहले है? बताओ। एक बात बताओ ना, सतयुग त्रेता में जगदम्बा कहें या भारत माता कहें? तो भारत माता पहले या जगदम्बा पहले? भारत माता पहले। इसका मतलब है कि भारत माता ज्यादा पवित्र है या जगदम्बा ज्यादा पवित्र है? जो घर परिवारों में दादी अम्माएं होती हैं, दादी परदादी, जितना पीछे चले जाओ वो दादी परदादी तरदादियां ज्यादा पवित्र होती थी या बाद वाली माताएं ज्यादा पवित्र होती हैं? है पहले पहले की जो माताएं हैं वो ज्यादा पवित्र होती हैं। तो भारत माता ज्यादा पवित्र है। भारत माता पवित्र है तो उसकी बुद्धि भी पवित्र है। भगवान जब आता है तो भगवान ज्ञान का बीज माता और पिता दोनों में डालता है या एक में डालता है?
दोनों में डालता है, परंतु धरणी जड़त्वमयी होती है, जड़त्वमयी बुद्धि होती है। वो ही तो बता रहे हैं, जगदम्बा धरणी है, जगदम्बा भी महालक्ष्मी कही जाती है, लेकिन लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी कौन है? भारत माता। इससे साबित होता है कि जो पवित्र बुद्धि है वो ज्ञान के बीज को ग्रहण कर लेती है, और अपवित्र बुद्धि ज्ञान के बीज को धारण नहीं कर पाती है। इसलिए जगदम्बा को भी समझ देने वाली, जगदम्बा को भी पवित्र बनाने वाली कौन हुई? भारत माता हुई। भारत माता पुरानी है और जगदम्बा बाद में है, इसलिए जगत माता वही है असली, जो चैतन्य बुद्धि है। अब बताओ कि धरती माता को चैतन्य बुद्धि कहेंगे या उस आत्मा में जो आत्मिक स्टेज वाली है उसको चैतन्य बुद्धि कहेंगे? आत्मिक स्टेज वाली को चैतन्य कहेंगे। वो आत्मिक स्टेज वाली पहली देवी है। जब नौ दुर्गा पूजन होता है तो पहले पहले किसका पूजन होता है? लक्ष्मी का पूजन होता है, और लास्ट में है महालक्ष्मी अर्थात महाकाली का पूजन होता है। इससे साबित होता है कि देवियां भी पवित्रता के आधार पर पूजी जाती हैं। पवित्र बुद्धि बड़ा भारी वरदान है। ये जन्म जन्मांतर की पवित्रता है। जगदम्बा सिर्फ देवताओं की अम्बा नहीं है, इस्लामियों की भी अम्बा है, बौद्धियों की भी अम्बा है, क्रिश्चियंस की भी अम्बा है, और उनके बाद आने वाले जो भी बाई प्लॉट धर्म है छोटे छोटे उन सब की अम्बा है। यहां तक कि दुनिया में लास्ट में जो नास्तिक रशियंस आए हैं उनकी भी अम्बा है, तो उनके संग के रंग में आना पड़े या नहीं आना पड़े? आना पड़ता है। इसलिए बुद्धि पवित्र हो जाती है या अपवित्र हो जाती है। आज माताओं का, बूढ़ी बूढ़ी माताओं का क्या हाल है? कहती हैं मैं बाबा के महाभाग की याद नहीं रहती, हम कोई को ज्ञान नहीं सुना सकती। ये किस कारण होता है? क्योंकि ढेर के ढेर जो बच्चों की पैदाइश हुई है उन बच्चों में सारा मोह चला जाता है, बच्चों में सारी ताकत चली जाती है, उन भांति भांति के बच्चों का संग का रंग लगता रहता है। इसलिए बुद्धि अपवित्र हो जाती है।
माताएं तो दोनों हैं, भारत माता भी है, जगता माता भी है, लेकिन उद्धार किसके द्वारा होता है? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। ये पहली अव्यक्तवाणी में बोला हुआ महावाक्य है। तो 36-37 में जब शिव बाप आया तो जगत पिता में भी आया, जगदम्बा में भी आया। दो में ही आता है, दो मूर्तियों के साथ आता है या तीन मूर्तियों के साथ आता है? है? तीन मूर्तियों के साथ आता है। ओहो, एक बात का जवाब होने दो पूरा। तो आत्माओं का बाप जब आया तो तीनों मूर्तियां थी मौजूद, जगत पिता भी था, जगदम्बा भी थी और भारत माता भी थी। जगदम्बा जिसे टाइटल दिया जाता है जगदम्बा सरस्वती, वो वाचा की देवी है। कैसी वाचा? आज दुनिया के जो भी धर्म स्थल हैं, उन धर्म स्थलों में सबसे ज्यादा वाचा का प्रयोग कौन से धर्म स्थल में होता है? हैं? सिख धर्म में 24 घंटे वाणी चलती रहती है, वहां से निकलती है वाचा की देवी, उसे वाचा की देवी कहेंगे या बुद्धि की देवी कहेंगे? वाचा स्थूल होती है या बुद्धि स्थूल होती है? वाचा स्थूल है और बुद्धि सूक्ष्म है, और बाप है बुद्धिमानों की बुद्धि। तो आत्माओं का बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जो संदेश मिलता है ज्ञान का, जो ज्ञान का बीज पड़ता है मात पिता में, उसकी शुरुआत वाचा से होती है या बुद्धि से होती है? इसलिए जगदम्बा में भी उसी समय उसी क्षण प्रवेश किया और जगत पिता महत ब्रह्म परम ब्रह्म प्रजापिता में भी उसी क्षण प्रवेश किया। जैसे दुनिया में भी बच्चे की पैदाइश होती है तो माता पिता दोनों के द्वारा एक साथ होती है या आगे पीछे होती है? साथ साथ बीज पड़ता है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा शिव ने भी आकर के ज्ञान का बीज डाला और वाचा के बाप देवी के द्वारा डाला, परंतु जिसके द्वारा ज्ञान का बीज डाला उसने कुछ समझा क्या? तो बीज निरर्थक हुआ या सार्थक हुआ? निरर्थक हुआ। वही ज्ञान का बीज
वाक देवी के द्वारा जब प्रजापिता की बुद्धि में पड़ता है, प्रजापिता अपने कानों से सुनता है, तो सृष्टि का पहला पहला ब्राह्मण कहा जाता है। क्यों? पहला ब्राह्मण तो पहला देवता। ब्राह्मण पहला क्यों कहा जाता? क्योंकि मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, भले वो वाचा की देवी थी तो भी ब्रह्मा तो है ना? नहीं है, ब्रह्मा तो है। उस ब्रह्मा से जिसने पहले पहले सुना वो पहला ब्राह्मण हो गया। कौन हुआ? प्रजापिता। वो पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, पहला शूद्र, वो ही फिर आकर के पहला ब्राह्मण बन गया। बन तो गया, शिव ने प्रवेश करके ज्ञान का बीज भी कानों के द्वारा डाल दिया। फिर जिसमें ज्ञान का बीज कानों के द्वारा पड़ा वो संसार में बुद्धिमानों की बुद्धि साकार में साबित तो होता है या नहीं होता है? होता है। वो बुद्धिमानों की बुद्धि प्रजापिता के द्वारा परमपिता परमात्मा शिव साबित तो हो जाता है। जिसको कहा जाता है बुद्धिमान नर अर्जुन, वो बुद्धिमान नर है, पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला, जन्म जन्मांतर के सद्भाग्य का अर्जन करने वाला, जब उस ज्ञान के बीज को विस्तार में समझाता है तो उसको दो आत्माएं और सुनती हैं। कौन कौन? राधा बच्ची और जगदम्बा भी सुनती है, भारत माता भी सुनती है, परंतु समझता कौन है दोनों में से? राधा बच्ची। भारत माता समझती है, क्योंकि प्योरिटी की पावर ज्यादा होती है। तो वो बीज ज्ञान का सार्थक हो जाता है। वो सार्थक बीज होने के कारण पहले उगेगा या बाद में उगेगा? पहले उगता है। वो भारत माता के द्वारा जब दादा लेखराज ब्रह्मा को समझाया जाता है तो वो अच्छी तरह से उस बात को समझ लेते हैं कि मेरे साक्षात्कारों का अर्थ ये है कि मुझे आने वाले भविष्य में ब्रह्मा का रूप धारण करना है। नई दुनिया आने वाली है, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची जाएगी और पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा होने वाला है। इस बात को दादा लेखराज ब्रह्मा ने किससे समझा? भारत माता के द्वारा समझा। जो भारत माता यहां दादा लेखराज ब्रह्मा और कृष्ण की आत्मा को समझ का जन्म देने के निमित्त बनती है संगम में, वो ही फिर सतयुग में कृष्ण को जन्म देने के निमित्त बन जाती है। जगदम्बा निमित्त नहीं बनती है कृष्ण को जन्म देने के लिए। कौन निमित्त बनती है? भारत माता बनती है। तो
तीन ब्रह्मा हो गए। तीन मूर्तियां तो पहले ही थी, चौथी मूर्ति हुई दादा लेखराज ब्रह्मा, और फिर उनके बाद बीच में आ गई सरस्वती ओम राधे, जिसने जगदम्बा का टाइटल लिया। तो कितने ब्रह्मा हुए? पांच ब्रह्मा हो गए। जो बोल बोल करता है उसका दुनिया में प्रभाव ज्यादा होता है, या जो बोल बोल नहीं करता उसका प्रभाव ज्यादा होता है? जो बोल बोल करता है वो हाँ जी, लेकिन प्रभाव दुनिया के ऊपर किसका पड़ता है? आज की दुनिया में बोल बोल करने का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो यज्ञ के आदि में जब प्रजापिता चला गया तो किसका वर्चस्व हो गया? बोल बोल करने वाली का वर्चस्व हो गया। ब्रह्मा बाबा उस जगदम्बा से प्रभावित हो गए, और जगदम्बा में परमात्मा शिव ने प्रवेश करके रात को 2 बजे वाणी चलाना शुरू किया। बाप लिखाते थे, किसके द्वारा? जगदम्बा के द्वारा, और ब्रह्मा बाबा लिखते थे। इस तरह वाणियां चलती रही, अब तक चलती रही, जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ, अथवा यूं कहें कि जब तक सात सात तालों में बंद की गई ब्रह्मा कुमारियां एक झटके से हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारा के समय निकल करके ब्रह्मा बाबा के पास नहीं आ गई। जैसे ही सब इकट्ठी होकर के ब्रह्मा बाबा के पास पहुंची तो ब्रह्मा बाबा का उमंग उत्साह बढ़ गया, और हिम्मते बच्चे मददे बाप ने प्रवेश कर लिया। तुम्हारा प्रश्न था 42 के बाद शिव बाबा ने कहां पार्ट बजाया, ब्रह्मा में ही पार्ट बजाएगा या किसी दूसरे में पार्ट बजाएगा? तो कितने ब्रह्मा हुए है? पांच ब्रह्मा हो गए। तीन तो आदि की मूर्तियां, और बाद में राधा कृष्ण के रूप में जो सतयुग में जन्म लेने वाले हैं, ओम राधे और दादा लेखराज, वो भी ब्रह्मा की मूर्तियां हुई। ये पांचों ही ब्रह्मा की मूर्तियां विष्णु के रूप में दिखाई जाती हैं। चार भुजाएं और एक उन चार भुजाओं को चलाने वाली मुख्य आत्मा। तो सन 47 तक ये पांचों ब्रह्मा प्रत्यक्ष हो जाते हैं। ब्रह्मा नाम उन्हीं का पड़ता है जिनमें शिव बाप प्रवेश करते हैं। हाँ जी रुको 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 हाँ दादा लेखराज का बहन सीता माता की राधा कृष्ण है। दादा लेखराज का बहन सीता माता की राधा कृष्ण ब्राह्मण बहन है, बहन है। इस
तरह की बातों का प्रश्न का जवाब दीदी दादियों के पास है, मुरली में इसका कोई समाधान नहीं है। तो दीदी दादियों से जाकर के दोस्ती करो। ये बात भी दीदी दादियां जानती होंगी, मुरली में बोला है, उन बच्चों के फोटो भी इन बच्चियों के पास रखे हुए हैं। किन बच्चों के? जो मम्मा बाबा को पढ़ाई पढ़ाते थे, मम्मा बाबा को ड्रिल कराते थे, और मम्मा बाबा समझते थे ये तो बहुत ऊंचा पद पावेंगे, मम्मा बाबा को भी कंट्रोल करने वाले थे। और बाबा ये 18 अध्याय की परीक्षा होगा बाबा, छोटी लेवल से तुमने ज्यादा लेखा इसमें प्रवेश कर लिया, छोटी लेवल से तुमने प्रवेश कर लिया ज्यादा लेखा इसमें, भले 47 में प्रवेश किया, परंतु सारा परिवार एकजुट होकर के एक स्थान में रहता था। सन 47 से लेकर के 50-51 तक, इसलिए वाणियां छपाने की दरकार नहीं पड़ी। जब वाणियां छपाई नहीं जाएंगी तो गीता कैसे कही जाएगी? 51-52 में जब बाबा और पूरा ब्राह्मण परिवार माउंट आबू में आकर स्थिर हो गया, तब बाबा ने बच्चों की परीक्षा ली। बाजरे की रोटी और छाछ खिलाई। कोई कोई बच्चों ने समझा बाबा के पास पैसे खत्म हो गए, इसलिए बाबा हमको कह रहे हैं बच्चे अपने संबंधियों को भी जाकर के सुनाओ। बहुत से सिंधी बेचारे हिंदुस्तान में बिखरे पड़े हैं, उनको जाकर के सुनाओ। तो बहुत बच्चियों ने समझा कि बाबा अब खाली हो गए, हमारी परवरिश के लिए अब पैसा नहीं बचा। और बाबा मुरली में क्या कहते थे? शिव का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। परंतु परीक्षा ली गई तो बहुत फेल हो गए, 300-400 में से सिर्फ 75-70 बचे। ये बात मुरली में भी बाबा ने बोली है। तो क्या साबित हुआ? जब बाहर चली गई ब्रह्मा कुमारियां, तो उनकी परवरिश के लिए लिथो कापियां छपाई जाने लगी और गीता का प्रैक्टिकल रूप सामने आ गया। शूटिंग पीरियड में तो 51 से लेकर के 68 तक वाणियां छपती रहे, फिर तो बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो कितने साल हुए? 18 साल में 18 अध्याय गीता सामने आ गई। और जंगल युग में मिलने वाली संगम युग में साक्षात्कार और मिलने वाले ट्रांस वो तो एक ही बात है, जो ट्रांस है वो साक्षात्कार है, और वो साक्षात्कार या ट्रांस भक्त आत्माओं को होते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा। जो ज्ञानी तो आत्माएं होती हैं, बुद्धि चलाने वाली, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे होते हैं, उनको साक्षात्कार नहीं होते हैं। और साक्षात्कार क्या चीज है? साक्षात्कार एक स्वप्न मात्र है,
जैसे सपना होता है, बंद आंखों से सोते सोते देखा जाता है, परंतु साक्षात्कार जागृत अवस्था में भी कोई कर सकता है। जागते जागते ट्रांस में चले जाते हैं और साक्षात्कार करते रहते हैं। ये साक्षात्कार की चाबी सिर्फ भगवान बाप के हाथ में रहती है। इस साक्षात्कार की चाबी किसी को नहीं देते। बुद्धि का ताला खोलने की चाबी बच्चों को देते हैं, लेकिन साक्षात्कार की चाबी किसी को नहीं देते। और अर्जुन से भी सीखा गया, बाहर में रहने वाले ने ये पूरा चट कर दिया। जब तो बाबा कहते हैं घर वाले इतना उठा नहीं सकते जितना बाहर वाले। कहा जाता है घर की गंगा को मार नहीं देते। हाँ, इसलिए कि ब्रह्मा बाबा जिनके मुख से ये वाणी चलाई गई, उनका सारा परिवार, ब्राह्मण परिवार उनके साथ रहता था। जो सरेंडर्ड वर्ग थे वो बाप के परिवार के थे, अंदर के थे या बाहर के थे? है? अरे अंदर के थे, बाबा के साथ रहते थे। बाहर के वो थे जो गृहस्थी थे, ब्राह्मण तो थे लेकिन रहते कहाँ थे? बाहर की दुनिया में रहते थे। उन बाहर की दुनिया में रहने वाले ब्राह्मणों में से कोई ब्राह्मण ऐसा निकला जिसने ब्रह्मा बाबा के मुख से निकली ज्ञान मुरलियों का सारा सारा हप कर लिया, तीर पूरा ही चट कर लिया। क्या आया? तीर पूरा ही चट कर लिया। वो अंदर में रहने वाले पांडवों से भी ज्यादा तीखा चला गया। क्या नाम दिया है शास्त्रों में? है एकलव्य। वो अंदर में रहने वाले पांडव एक को उतना लव नहीं कर सके जितना एकलव्य ने किया। इसलिए उसके ज्ञान बाण में पूरी ताकत आ गई, इसलिए ये वाक्य बोले गए। जन्म लेगी फिर से कैसे आई? जन्म लेगी ले ली पहले। जन्म कहाँ ले ली? पहले सुने थे। है? पहले सुने थे जन्म ले ली। जन्म ले ली ब्रह्मा बाबा के लिए तो कहते थे, मम्मा बाबा ने नेपाल में जन्म ले लिया। मम्मा के लिए तो तीन बार बोल दिया, मम्मा ने लंदन में जन्म ले लिया, फिर बोला मम्मा ने नेपाल में जन्म ले लिया, फिर बोला मम्मा ने दिल्ली में जन्म ले लिया। कैसे जन्म ले लिया? कोई एडवांस के ब्राह्मणों में प्रवेश करके मम्मा पार्ट बजाए रही है। ऐसे नहीं कि गर्भ से जन्म ले लिया। कैसे जन्म ले लिया? जैसे ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है कोई सूर्यवंशी में, जो मुरली में बोला है कि गांधी मरा राजकोट में जाकर के कोई साहूकार कांग्रेसी के यहां जन्म लिया, वो तो हद का गांधी हुआ। बाबा हद की बातें करते हैं या बेहद की करते हैं?
तो वेद का गांधी कौन हुआ जो कहता था राम राज्य आएगा, राम राज्य में जाऊंगा, राम राज्य स्थापन करूंगा, और राम राज्य स्थापन नहीं कर सका, पहले ही शरीर छोड़ गया। सीढ़ियां उतरते उतरते शरीर छोड़ गया या सीढ़ियां चढ़कर के शरीर छोड़ गया? हैं? सीढ़ियां उतरते उतरते शरीर छोड़ दिया। कोई ने गोली मारी सीढ़ियां उतरते उतरते, ऐसा तीर मारा कि प्राण पखेरु उड़ गए। जो शास्त्रों में भी गायन है कि कृष्ण के बुद्धि रूपी पांव ने कोई बहेलिए ने तीर मारा और कृष्ण के प्राण पखोरु उड़ गए, तो वेद का गांधी कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा। वो ब्रह्मा बाबा ने कहां जन्म लिया? राजकोट। कौन से स्टेट में है? नहीं, गुजरात। अज्ञान की रात जिसकी गुजर चुकी है, माने जिसने ज्ञान का तीर पूरा चट कर लिया, उस गुजरात में कोई राजकोट शहर है। राज माने राजाएं और कोट माने किला। राजाओं का जो किला तैयार है हो रहा है, उस राजाओं के किले में कोई साहूकार कांग्रेसी के यहां। कौन है ज्ञान का साहूकार? है राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, इसका गायन है ज्ञान रत्नों का साहूकार। उसके यहां बेहद के गांधी ने जाकर जन्म ले लिया। ऐसे ही कुमारका दादी ने पेट से जन्म ले लिया या बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश कर गई? बुद्ध रूपी प्रवेश में प्रवेश कर गई। और बाबा ज्ञान का राजा होना अच्छा या ज्ञान का संतान होना अच्छा? ज्ञान का राजा, ज्ञान का साहूकार होना अच्छा। जो ज्ञान का साहूकार बनता है, ज्ञानी बनता है, ज्ञाता माने जानकार बनता है, ज्ञाता बनता है। सबसे बड़ा ज्ञान किसका चाहिए? सबसे बड़ा जानकारी क्या? सबसे बड़ी जानकारी है बाप की पहचान। ऐसा जो साहूकार बनता है जिसे बाप के बारे में पूरी पहचान हो जाए, जिनको बाप की पूरी पहचान नहीं होती है, वो अनिश्चय बुद्धि की मौत मरते हैं, या जिनको बाप की पूरी पहचान हो जाती है वो अनिश्चय बुद्धि में आते हैं। हाँ, तो बाप की पहचान होना ही सबसे बड़ा राजा बनना है। जो अधूरी पहचान वाले हैं वो छोटे मोटे राजा बनेंगे, छोटे मोटे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे, कम ज्ञानी बनेंगे। जो बाप की पूरी पहचान लेने वाले हैं वो जन्म जन्मांतर महाराजाएं बनेंगे। बाप आते हैं क्या बनाने आते हैं? राजाओं का राजा बनाने आते हैं।
तो बड़ी बात तो है राजा बनना, लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या हुई? नहीं, राजाओं का राजा बनना बड़ी बात है, वो बाद की बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है? ज्ञान रत्नों का साहूकार बनना। राम वाली आत्मा 76 में ज्ञान का तीर पूरा चट करने के कारण ज्ञान रत्नों का साहूकार बन गया। इतना बड़ा साहूकार बना कि उस समय ब्राह्मणों की दुनिया में जो महाराजा समझा जाता था, बेसिक ब्राह्मणों में सबसे जास्ती मान मर्तबे वाला था। ब्रह्मा बाबा भी जिसको बहुत मान देते थे, वो कौन था? जगदीश भाई ने ढेर के ढेर शास्त्र बनाए दिए, छपाए दिए, और ब्रह्मा बाबा तो भक्त थे ही, तो शास्त्रकार के भगत बन गए। और जब ब्रह्मा बाबा भक्त बन गए तो सारे ही ब्राह्मण किसके भक्त बन गए? वही शास्त्रकारों के भक्त बन जाते हैं, भक्त बन गए। उनको कितना भी समझाओ वो कहेंगे जगदीश भाई मान जाएंगे तो हम भी मान जाएंगे। इसलिए मुरली में बाबा ने बोला कि जो जिसके भक्त होंगे उसी की बात मानेंगे। तो सन 75-76 के बीच बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे जास्ती प्रजा किस ब्राह्मण की थी? माना सबसे जास्ती मान्यता किसकी थी? ब्रह्मा बाबा तो शरीर छोड़ गए थे, तो कौन सा ब्राह्मण था जिसकी बहुत मान्यता थी ब्राह्मण परिवार में? नहीं, कुमार का दादी के ऊपर भी कंट्रोल कौन करता था? जगदीश भाई। कलकत्ता के रविंद्र भाई जब एडवांस कोर्स लेकर के गए तो सीधे कुमार का दादी के पास पहुंचे और जाकर के पूछा, दादी ये ज्ञान तो बहुत वंडरफुल, बहुत पावरफुल है जो शंकर पार्टी के द्वारा सुनाया जा रहा है, आपको मानना ही पड़ेगा, दादी कुछ करिए। तो दादी ने मालूम क्या जवाब दिया? जगदीश भाई से जाकर के पूछो। दादी भी किसकी प्रजा बन गई? किससे प्रभावित हो गई? जगदीश भाई से प्रभावित। इससे साबित हुआ कि जगदीश भाई का प्रभाव ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे ज्यादा। और सतयुग में वो कौन सा नारायण होता है जिसकी सबसे जास्ती प्रजा होती है? आठवां नारायण। इसलिए वो आठवां नारायण समय प्राप्ति का पुरुषार्थ कर रहा था या गवाने का पुरुषार्थ कर रहा था 75-76 में? गवाने का। कैसे? बाबा ने बोला है ब्राह्मणों का धंधा है ज्ञान लेना और ज्ञान देना। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना,
और मन चिंतन मंथन करके नई दुनिया की प्लानिंग तैयार करना। ये काम आठवें नारायण ने नहीं किया, किसने किया? राम वाली आत्मा ने किया। वो ज्ञान रत्नों का साहूकार हुआ और जगदीश भाई उस समय क्या कर रहे थे? मूल्यों का मन चिंतन मंथन कर रहे थे या मूल्यों का रोज का क्लास भी नहीं करते थे? वो अपना मनमस्ता लेके चले चले लगे। मान मत वाले थे, ढेर सारी किताबें छपा छपा करके कीमत वसूल करते रहते थे। वो करोड़पति अरबपति बन गए या नहीं बन गए? धनपति बन गए, ब्राह्मण की दुनिया में खूब मान मर्तबा भी लिया, लेकिन जो करना था वो नहीं किया। तो राम वाली आत्मा जिसने किया उसका कर्जा किसके ऊपर चढ़ गया? जगदीश भाई के ऊपर सारा कर्जा चढ़ गया। राम वाली आत्मा से कर्जा उठा करके वो अपनी राजाई चलाते रहे। आखिरी राजाई डूबेगी या नहीं डूबेगी? डूबेगी। तो संक्षेत्र में जाके राजाई डूब गई। राम वाली आत्मा जो संख्याचक में बोलियों में घोषणा की थी, क्या घोषणा की थी? ये लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? छियासठ में बता दिया। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म जो नर से डायरेक्ट नारायण बने, बाकी सकृति जो भी नारायण है आप, वो नर से डायरेक्ट नारायण नहीं बनते। वो नर से क्या बनते हैं? कृष्ण के रूप में जाके सतयुग में जन्म लेंगे, बाद में नारायण बने। तो साबित हो गया राम वाली आत्मा साहूकार बनती है, इतना बड़ा साहूकार बनती है जो महाराजा को भी लोन देती है, इतना बड़ा साहूकार बनती है। तो लोन में सतयुग के आठवें नारायण की राजाई डूब जाती है। उसका टाइटल सतयुग का नारायण समाप्त हो जाता है। और किसका टाइटल शुरू हो जाता है? अरे सतयुग के अंत में नारायण का राज्य खत्म, किसका राज्य शुरू? किसने लोन दिया उसका साहूकार का राज्य शुरू हो गया। वो साहूकार से क्या बन गया? राजा बन गया। शूटिंग पीरियड में क्या बन गया? शूटिंग पीरियड में एडवांस प्रायोरिटी के ब्राह्मणों के दिनों का राजा बन गया। और शूटिंग हो गई। राम वाली आत्मा जब सबसे बाद के पतित बनती है तो सबसे पतित आत्मा कैसे? सबसे बाद मैंने कब के बाद, कब की बात कर रहे हैं? हैं? आप तो अपने गुरु का मुंह देखने लगे। अरे रे 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 हाँ
हुआ तो रहता नहीं है, ब्राह्मणों की दुनिया में कुछ छुपा हुआ रहता है नहीं रहता है। बताओ राम वाली आत्मा जब सबसे बाद एक पतित बनती है, सबसे बाद माने कब? सन 36 में, सन 76 में या और बाद में? और बाद में अब की बात है। अंत माने कब है? वो 84 जन्म पूरे कब होते हैं, कौन से सन में? अच्छा पूछ लेना, कॉन्फ्रेंस कर लेना, फिर बाद में बता देना। हाँ बोलो। यहाँ तो बहुत ही है, यहाँ तो बहुत ही है, तो आगू में मुसलमान को जाए पूजा करते हैं, उनके पांव पड़ते हैं। आगू में यहाँ तो बहुत हिंदू है, तो आप में मुसलमान को जा पूजा करते उनके पाँव पड़ते हैं। बहुत क्या है यहाँ? यहाँ तो बहुत हिंदू है, हिंदू हाँ। तो आप में मुसलमान को जा पूजा करते हैं उनके पाँव पड़ते हैं। आप में मुसलमान किसकी पूजा करते हैं? आबू में मुसलमान पूजा करते हैं किसकी? हिंदू मुसलमान मुसलमानों को जाए, यहाँ तो बहुत हिंदू है, तो आबू में मुसलमान को जाए पूजा करते हैं उनके पाँव पड़ते हैं। आबू की बात नहीं है, आज की दुनिया में माउंट आबू में कई मुसलमान पूजा करते हुए मेरे बाबा ने क्यों बोला मुरली? ये माता ने कहीं न कहीं से तो मुरली निकाली, तो मुरली में से ये वाक्य निकाला कि मुसलमान आबू में जाकर के पूजा करते हैं, बहुत पूजा करते हैं। मुसलमान के जाके पूजा करते हैं, मुसलमान की जाकर के पूजा करते हैं, मुसलमानों की। हाँ तो क्या पूजा करते हैं वहाँ? कोई ने देखा नहीं करते, लेकिन बेहद की बात तो है। कुमार का दादी की जाए पूजा करते थे कि नहीं करते थे? और अभी भी काबा में जाते हैं और खूब पूजा करते हैं, तो बेहद की बात है। हर तक मुसलमानों की बात नहीं है। और बाबा पीढ़ी का चित्र रमेश भाई ने बनाया, रमेश भाई ने, जगदीश भाई भारतीय कौरव थे या यादव थे विदेशी? जगदीश भाई को विदेशी कहें या भारत के कौरव कहें, कौन सा संप्रदाय कहें? कौरव संप्रदाय, भारत के कौरव संप्रदाय। कौओं की तरह रब माना शोर गुल करते रहते थे ज्ञान की बातों का, ज्ञान के नाम पर अज्ञान बगाते रहते थे। असली बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठी कि भगवान क्या है, कब आता है, क्या पाठ बजाता है, कैसे नई दुनिया बनाता है। कौओं की तरह काव काव करते रहते थे। काव काव का कोई अर्थ होता है क्या है? नहीं। तो छोटी माँ ने बोला है कि जगदीश भाई है, छोटी माता है कि सुन रहे थे, उसने जगदीश भाई का नाम दिया। छोटी माता क्या? जगदीश भाई का नाम दिया सीढ़ी के चित्र, सीढ़ी के चित्र में उनके द्वारा बनाया, जगदीश भाई का नाम दिया। किसने नाम लिया? छोटी माता ने। छोटी माता ने, और छोटी माता सच्ची होती है या बड़ी माता ब्रह्मा बाबा सच्चा होता है, उसके मुख से बोला हुआ सच्चा होता है या अम्मा की बात सच्ची होती है? जल्दी बताओ। ब्रह्मा को अक्षम जनार्दन। तो तुम किसकी बात बोल रहे हो?
जन्म से पैदा हुआ ना, देवी का भगत बनने से। देवी के भगत बनते हैं कौन से संप्रदाय बन जाते हैं? देवी के प्रदाय तो रावण संप्रदाय। रावण संप्रदाय भगत देवी के हुए ना, तो अभी तक तुम किसके भगत बने रहे जब तक तुमने पूछा नहीं? अभी तक तो देवी का जान के तो मन के बाप। हाँ वो तो ठीक है, अभी तो बाबा ने बताया नहीं ना। क्या देवी का चित्र किसने बनाया? मुरली में तो बाबा ने रमेश भाई का ही नाम लिया। किसने बनाया? रमेश भाई। रमेश भाई बुद्धिमान ज्यादा थे या जगदीश भाई ज्यादा बुद्धिमान थे? रमेश भाई ज्यादा बुद्धिमान थे। और ये सीढ़ी का चित्र बुद्धियोग से बनाया गया है। ओम शांति।